Welcome, students. Very good morning to all of you. Today we will study of Hindi subject. आज हम हिंदी पढ़ेंगे, ठीक है? जैसा कि पिछली वीडियो में हमने रिवीजन किया है, आज से बड़ी ईद तक, ठीक है? आज से बड़ी ईद तक कोई भूला तो नहीं ना? आपको भूलना नहीं है, याद रखना है, ठीक है? चलिए तो एक बार फिर से हम उन शब्दों के बारे में एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि वो कौन कौन से थे, ठीक है? आप मुझे वो स्वर बताएंगे एक एक करके, ठीक है? मैं सिर्फ आपको दिखाऊंगी और आप बोलेंगे, ठीक है? रुकिए, ओके, चलिए, ये क्या है? आसे अनार, आसे अनार, यस, वेट, क्या है ये? आसे अनार, सभी को अनार बहुत पसंद है ना? मैम को भी अनार बहुत पसंद है। चलिए, आसे अनार, आसे अनार। अब चलिए, अब जरा बताइए मुझे आसे अनार के बाद क्या आता है? अनार के बाद बड़े आसे आम, बड़े आसे आम। Let me show you mango। अभी तो हमारे यहाँ मैंगो का सीजन भी चल रहा है, सभी बहुत मजे कर रहे होंगे। क्या है ये? आम। क्या है? आम। ये है बड़ा आ, ओके, बड़े आ से आम, बड़े आ से आम। तो सबसे पहले क्या है स्वर? अ से अ, क्या बोलेंगे? अ। अब अ के बाद अब क्या आएगा? क्या है ये? ये क्या है? बड़े आ से आम, बड़े आ से आम। चलिए आप मुझे बताएंगे ये क्या है? हम पहले ही इसके बारे में अभ्यास कर चुके हैं। यस, ई से इमली, ई से इमली, इमली। मुझे भी बहुत पसंद है इमली। तो ई से इमली, क्या है ये? ई से इमली। अब ई इमली के बाद, इमली के बाद बड़ी से ईख, क्या है ये? बड़ी ई से ईख, बड़ी से ईख। और ये रहा ईख, ईख मतलब गन्ना, हम खाते हैं ना ग्यारस के समय पर, हम गन्ना लाते हैं घर पे। यस, वैसे भी गर्मियों में गन्ने आने शुरू हो जाते हैं, गन्ने का रस पीते हैं, पर अभी गन्ने के रस से बाहर से दूर रहिएगा, ठीक है? चलिए, तो क्या है ये? बड़ी ई से ईख, बड़ी ई से ईख। चलिए, हमने तो अपने ये चार शब्द यहाँ पे पूरे कर लिए। अब हमें इस मंथ में क्या कंप्लीट करना है? जून मंथ में हमारा उ, छोटा उ। अब छोटा उ, हाउ टू राइट छोटा उ? ओके, जस्ट हैव अ लुक हियर, लेट्स मेक अ कर्व। पहले हम आधा आ बनाएंगे, उसके बाद एक और छोटा आधा आ, ठीक है? क्या है ये? उ, छोटा उ, ठीक है? मैं आपको कुछ उदाहरण देती हूँ। सबसे पहले क्या है ये? उ, छोटा उ। हम इसे उ नहीं बोलेंगे, उ हमारा अगला स्वर है, ये है छोटा उ। उ से उल्लू, उ से उल्लू, यस। तो अब यहाँ देखेंगे, देखिए मैंने यहाँ पर बहुत सारे पिक्चर्स बनाए हुए हैं, है ना? तो इन पिक्चर्स में आप मुझे बताएंगे कि मैम ने उल्लू कहाँ बनाया है? उ से, क्या ये उल्लू है? ना, उल्लू, यस, उ से उल्लू, उ से उल्लू। तो कैसे बनाएंगे हम उ? इस प्रकार। अब ये देखिए, आपके पास टू लाइनिंग कॉन्सेप्ट कॉपी है, हाँ? तो आपको क्या करना है, ये जो लाइन है इसके बाहर नहीं लिखना है, इस लाइन के अंदर ही लिखना है। तो आप कैसे लिखेंगे, यहां देखिए, पहले हम बनाएंगे छोटा कर्व, आधा आ, आ बनाते हैं ना, आधा आ, फिर हम आधा आ और जोड़ेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? छोटा उ, छोटा उ, उ से उल्लू, उ से उल्लू, उ से उल्लू, यस। क्या है ये? अ से अनार, बड़े आ से आम, ई से इमली, ई से ईख, नेक्स्ट उ
से उल्लू, यहाँ क्या लिखा है मैंने, उ से उल्लू, ठीक है। हमको किस प्रकार लिखना है ये टू लाइन कॉन्सेप्ट में, उ से उल्लू, ओके। चलिए जरा मैं इसको भी यहाँ पर साथ में ले आती हूँ, उ से उल्लू, उ से उल्लू, ओके। होप यू ऑल आर अंडरस्टूड दैट हाउ टू राइट, सो जस्ट गो थ्रू दिस वीडियो, आई विल शेयर सम वर्कशीट्स एज वेल इन अवर ग्रुप, एंड आई विल सेंड यू सम वीडियोस एज वेल, सो यू विल गो थ्रू ऑल दिस वीडियोस, ओके। टिल देन जस्ट टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते।